सो so गाइज बिना टाइम वेस्ट किए आपको देखना है ये आज का मेकअप ट्यूटोरियल जो कि है इनकी डस् की और डार्क कॉम्पैक्शन पर सबसे पहले हम आई लेंसेस वेयर करवाएंगे एंड इनके स्किन पर आपने ऑलरेडी दो मेकअप देख रखे हैं जो कि आपको काफ़ी फेयर लगे थे बट आज हमने सोचा है कि इन्हीं के स्किन टोन का हम मेकअप करेंगे तो जब भी आप लेंसेस वेयर करवाते हो तो थोड़ी देर तक आ, जो है आंसू वगैरह आते हैं वॉटरिंग होती है आइज़ में तो नॉट प्रॉब्लम ठीक है जब ऐसा हो जाता कि पाँच दस मिनट हो गए और आइज से जो है आंसू निकलने बंद ही नहीं हो रहे तो आप लेंसेस को रिमूव कर सकते हो इसके बाद हम वी का टोनर लेंगे और काफ़ी अच्छा टोनर है ये इसके बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे फेस पर और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना स्टेप बाई स्टेप तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा बनता है मैंने लाइव सेशन में भी दिखाया था कि इनका जब मैं बेस बना रही थी तो कैसा इनका बेस आप लोगों को दिख रहा था और थोड़ा सा नेटवर्क की इशू की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई लाइव इसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ करूँगी प्रॉस ब्यूटी का मेटिफाइंग प्राइमर जो कि काफ़ी अच्छा प्राइमर है काफ़ी अच्छी फिनिश देता है ये एंड आप लोग ना एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका मेकअप किया था तो इनकी जो स्किन थी ना बिफोर मेकअप वाली स्किन इतनी डल थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्किन थी अब आप देख रहे होंगे तब से हमने कंटिन्यू इनके तीन चार टाइम स्क्रबिंग कर दी एंड मैंने कुछ स्किन केयर टिप्स इनको सजेस्ट भी किए थे तो उसकी वजह से इनके स्किन में काफ़ी फर्क का आ रहा है ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रो कंसीलर यूज़ करेंगे और प्रो कंसीलर को हम अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि मेकअप के साथ साथ हमारा स्किन केयर भी अच्छा होना चाहिए था आप लोग खुद देख रहे होंगे कि फ़र्स्ट जब मैंने इनका मेकअप किया था तो इनकी स्किन कैसी थी और अब आप देखो कितना फ़र्क पड़ा है स्किन में ठीक है अंडर आई एरिया मतलब कम्प्लीटली आई एरिया और पूरा फेस इनका इक्वल टोन में था अब आप देख सकते हैं कि आई वाला पार्ट कितना डार्क है एंड चीक्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी उसमें फर्क आया है ठीक है तो कुछ फेस पैक्स मैंने इनको सजेस्ट किए थे एंड स्क्रबिंग की थी और ये आज घर पे भी कर घर से करके भी आई थी पहले दिन स्क्रबिंग uh, uh, और अभी हमने मेकअप से पहले भी की थी ठीक है इसके बाद हम यहाँ लेंगे Supra पर लेंगे क्राइलोन सुप्रा का शेड जो नॉर्मली स्किन पर कॉन्टोर के लिए शेड यूज होता है वो वाला शेड हम यहाँ पर एज अ फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो अगर हमें उसमें उन्हीं के स्किन टोन का मेकअप करना है तो हम डार्कर शेड लेंगे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें ठीक है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो इनके इस स्किन का एकदम परफेक्ट शेड यहाँ पर बनकर रेडी हो गया इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि फाउंडेशन जब भी परचेज करो तो एक डार्क शेड का फाउंडेशन लो एक लाइट शेड का फाउंडेशन लो अलग अलग पाँच छः तरह के फाउंडेशन खरीदने से अच्छा है आप एक डार्क लो एक लाइट लो और उससे आप मल्टीपल स्किन टोन के फाउंडेशन बना सकते हो ठीक है की पार्लर में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और सबकी स्किन में 19-20 का फर्क होता है तो आप इतने सारे फाउंडेशन पे खर्चा मत करो और कस्टमाइज करना सीखो चीज़ों को और ये देख सकते हैं कि ये वाला जो फाउंडेशन है इनकी स्किन में अच्छे से, से सेट हो गया है और इसको हम अच्छे से फॉरहेड कवर करेंगे नेक कवर करेंगे और जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मेकअप सेट होने में कम से कम आधा घंटा पैंतालीस मिनट का टाइम लगता है और नेक एरिया को हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप लोगों ने थैंक थैंक यू सो मच कि इतने सारे कमेंट्स की आप इतने सारे कमेंट्स नहीं करते तो मैं इनका लुक क्रिएट नहीं करती वापस और ये भी बहुत हैप्पी रहती है मुझसे मेकअप करवाने के लिए इनको जब बुलाओ तब आ जाती है ये एंड अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरी रियल क्लाइंट नहीं है ये मेरी मॉडल है एंड Uh, कई लोग पता है क्या करते हैं जो डार्क स्किन की मॉडल्स होती हैं डार्क स्किन की लड़कियां होती हैं उन पर मेकअप नहीं करते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा बट मेरे साथ ऐसा नहीं है मैं फेयर स्किन टोन कम लेती हूँ एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा लेती हूँ रैंडमली कोई भी लड़की ऐसा नहीं है कि मैं फ़ीचर्स देखती हूँ कि इसके फ़ीचर्स अच्छे हैं तो उस पर करती उसके फ़ीचर्स अच्छे नहीं है तो उस पर नहीं करूँगी सब पे करती हूँ मैं क्योंकि क्लाइंट हमारे पास किसी भी तरह का आ सकता है ठीक है तो मॉडल तो देखो ऑलरेडी सुंदर होती है उसे सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं होती उसकी आईब्रोज बहुत अच्छी होती नोज अच्छी होती जॉलाइन अच्छी होती सब कुछ अच्छा होता है मॉडल का ठीक है इसके बाद हमने यहाँ पर हाईलाइटिंग कर दी है और हाईलाइटिंग के लिए जो हमने शेड लिया है वो इनके फाउंडेशन से दो टोन लाइटर लिया है इससे हम हाईलाइटिंग करेंगे और हाईलाइटर के जो प्रोडक्ट है उसको वहीं पर ब्लेंड करेंगे उसको पूरे फेस पर नहीं फैलाएंगे आई होप आपको वीडियो में क्लियरिटी दिख रही होगी एंड कई लोग कहते हैं कि फ़िल्टर लगा कर फिल्टर लगा कर इससे ज़्यादा क्लियर वीडियो आपको मैं क्या दिखाऊँ मैंने यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं लगाया है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड अंडर आई एरिया पर होती है क्रीज लाइन की प्रॉब्लम तो क्रीज लाइन को हम क्या करेंगे अगर आप ना कॉम्पैक्ट पाउडर से क्रीज लाइन को अच्छे से, से सेट करोगे तो वहां पर क्रीज लाइन नहीं बनेगी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाती हैं अच्छा बनाती हैं एंड देख सकते हैं आप कि बेस काफी ज्यादा इनके स्किन पर जा रहा है और थोड़ी देर में वैसे भी ये बेस थोड़ा सा और सेटल हो जाएगा इसके बाद हम करेंगे कॉन्ट do तो कॉन्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली पाउडर कॉन्टोर से करूँगी क्रीम काउंटर नहीं करूँगी क्योंकि इनका फ़ेस कट आप लोग देख सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फेस कट में कॉन्टोर की नीड ही नहीं है सिर्फ फॉरहेड और नोज़ पर थोड़ा सा थी तो वो मैंने यहाँ पर कर दी इसके बाद हम यहाँ पर चिक्स पर हल्का सा टच देंगे कॉन्टोर का ताकि जो हमारी पिक्चर्स क्लिक हों वो काफ़ी अच्छी हों और इनका ये वाला जो ब्राइडल लुक था ना बहुत ही प्यारा हुआ था मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था अब कई लोगों को तो ये वाला नहीं लग रहा है पहले वाला अच्छा लग रहा है अब समझ में नहीं आता आप लोग क्या चाहते हो यार <laughs> पर कोई बात नहीं चलो हमने तीन डिफरेंट लुक कर दिए सीमा पे कोई दिक्कत नहीं है उनको करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और आप लोगों को तो देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो करते रहते हैं हमारा तो काम ही, ही है ठीक है तो इस तरीके से हमने कॉन्टोर यहाँ पर कंप्लीट किया और अब हम क्या करेंगे अब हमारा नंबर आता है इस बेस को लॉक करने का तो बेस को लॉक करने से पहले हम क्या करेंगे जो हमारा आई का वर्क है उसको कम्प्लीट कर लेंगे और बेस लॉकिंग के लिए यहाँ पर मैं ये ट्रांसलूशन पाउडर ले रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी आप चाहो तो यहाँ पर लॉरा मर्सियर हुडा ब्यूटी और मेकअप स्टूडियो रिकोड का फाउंडेशन और सॉरी ट्रांसलूशन दे सकते हो बट मुझे जस्ट मेकअप ऐसे ही हटाना था थोड़ी देर में तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट ले लिया और प्रैक्टिस में यार आप लोग हल्के प्रोडक्ट लगाओ इतना ज़्यादा अफोर्डेबल महंगे प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस के टाइम पे क्योंकि आपको उस मेकअप को रिमूव करना होता है भी ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे कि बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेंगे और बेस को सेट कर देंगे इस तरीके से ही देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफ़ी कम ली है और बाकी जो आ, फ्लफी ब्रश होता है मेकअप ब्रश में उससे हम नेक पे जो हमने प्रोडक्ट अप्लाई किया था उसको भी सेट कर लेंगे अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर हम अंडर आई एरिया में रखेंगे क्योंकि हमें आई मेकअप करना है एंड इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा आई मेकअप तो आई मेकअप की एक मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी क्योंकि आई मेकअप इनका बहुत प्यारा था और मैं ये नहीं चाहती थी कि इनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो तो देख सकते हैं आपने पिछले कई वीडियोस में कमेंट किया था कि विंग लाइनर लगाओ मोटा लाइनर लगाओ तो इसलिए मैंने यहाँ पर विंग लाइनर लगाया इसके बाद जो है ब्लश का टचअप देंगे यहाँ पर आई मैजिक की पैलेट में से मैं ये डार्क कलर का शेड ले रही हूँ और हाँ इनकी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना कई लोगों ने कहा था कि ब्लश बहुत कम लग रहा है तो एक तो देखो कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है से आपको नेचुरल मेकअप चाहिए तो ब्लश मुझे जहाँ तक लगा मैंने उतना लगाया बाकी अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लश पसंद है तो वो एक्स्ट्रा लगा सकता है इसमें टोटली totally क्लाइंट की चॉइस होती है ठीक है तो थोड़ा सा नोज पर हमने अप्लाई किया और थोड़ा सा चिन पर भी हल्का सा टचअप दे दिया एंड इनकी आईज देखिए यार आप कितनी सुंदर लग रही है मुझे तो इनकी आ, मतलब बहुत सुंदर लग रही है इनकी ये वाला आई मेकअप ठीक है और ये आई मेकअप वाली वीडियो आप लोग तो जरूर देखना कमेंट करना आई मेकअप वाली वीडियो के लिए किस तरीके से मैंने ये आई मेकअप किया है बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है इसके बाद हम आईब्रोज को फिल सॉरी uh, लिप लाइनर अप्लाई करेंगे लिप्स को फिल करने की मैं ये मेरी पर्सनल एक ट्रिक है कि जो हमारे पास कॉन्टोर का सेड होता है ना उससे मैं आउटलाइनिंग कर देती हूँ उस तरीके से तो इससे हमारा क्या होता है वहाँ पर एक कॉन्टोर वाला लुक भी आ जाता है और बहुत अच्छे से मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ अच्छी लगती है आप लोग ना लिपलाइनर से भी कर सकते हो ठीक है इस तरीके से किया एंड लिपस्टिक का मुझे ये हो रहा था कि मैं क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ इन पर तो मैंने सोचा चलो रेड ही अप्लाई कर देते हैं वैसे भी इनका जो आई मेकअप है बहुत शटल है और इतना ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है बहुत हैवी नहीं है तो बोल्ड लिपस्टिक चलेगी रेड कलर की आपको ना ये चीज़ देखना होता है जब आपका आई मेकअप बहुत सिंपल होता है तो आप लिपस्टिक जो है रेड दे सकते हो मरून दे सकते हो जब आपका आई मेकअप बहुत कलरफुल है बहुत सारे कलर्स यूज हुए हैं तो आप लिप का जो है लिपस्टिक वो लाइट दे सकते हो उसके बाद यहाँ पर हाईलाइटर के साथ मेकअप को कंप्लीट करेंगे एंड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर और यार मुझे ब्रांड का नेम नेम तो याद ही नहीं है मेरे पास पड़ी थी एक लिपस्टिक रेड कलर की तो मैंने वही लगा ली और कई लोगों को ये शेड पसंद नहीं आ रहा था थोड़ा सा डिफरेंट सा रेड है ये तो मुझे भी लग ही रहा था कि ये थोड़ा सा ना मतलब डिफरेंट वाला रेड है तो मैंने यहाँ पर बीच में इसमें थोड़ा सा कुछ दूसरा शेड मर्च करके कर लिया था तो ये रहा इनका फाइनल लुक और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा ये कंप्लीट ट्यूटोरियल कैसा लगा उसके बाद में आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ नेक्स्ट मेकअप की और आई मेकअप की वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी अगर आई मेकअप देखना है ना तो कॉमेंट करना यार प्लीज़ बहुत सारे कॉमेंट करना आपके कॉमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते